दोस्तों आज वीडियो में शेयर करेंगे YouTube पे सक्सेस होना कितना ही आसान है या कितना टफ है। दोस्तों अभी के दौर में बहुत ही टफ हो गया है YouTube पे सक्सेस पाना। जो आज से 4 साल 5 साल पहले इस YouTube चैनल पे अपना करियर बनाए थे उस समय सक्सेस होना बहुत ही आसान है। इस टाइम पे भी देख रहे होंगे आप कि इस चैनल पे करीब करीब 3 लाख सब्सक्राइबर है। आपको क्या जिस टाइप का हम कॉन्टेंट अभी डाल रहे हैं उस समय भी ऐसा कंटेंट डालते तो शायद मैं सक्सेस हो पाता। जी हाँ, लेकिन उस समय मैं किसी और तरह का कंटेंट डालता था और उसी समय मुझे इतना सब्सक्राइबर गेन हुआ था। और बात करें फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल था जिसका नाम भी काट क्लूज था। जी हाँ, सिर्फ एंड सिर्फ काट क्लूज पे करीब करीब 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया था और मैं वीडियो डालता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब 2018-19 का, जिससे मैं चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था। आप वीडियो डालना और आपका चैनल उसी दिन से अर्निंग होना स्टार्ट कर देता था। उसी दिन से आपको पेमेंट करना यूट्यूब स्टार्ट कर देता था। उस समय कर रहा हूँ, उस समय फ्रेंड्स बात करूँ तो जितने भी बड़े चैनल थे जैसे जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, ये सारे कोई भी नहीं थे। उस समय की बात करूँ इतना फेमस चल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग धूली चाटते थे, पहचान नहीं था। उस समय की बात करूं फ्रेंड्स तो उस समय मेरा था 1.3 मिलियन और उस समय मैं YouTube से पैसे कमाता था 30 से 40 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया तक एक पेमेंट मैंने देखा है YouTube। और उस समय क्या करता था, मैं सिर्फ न्यूज ही डाला करता था, मैं इधर उधर से न्यूज को इकट्ठा करता था और उसे मैं वॉइस ओवर के थ्रू क्रिया करता था, बोल करके भी नहीं करता था, वॉइस ओवर डालता था और इमेज को रोटेट कर देता था, उसी से अर्निंग हुआ करता था। उस समय बड़े बड़े न्यूज चैनल ये सब कुछ भी नहीं थे YouTube पे, लोग अपने आप को प्राइवेसी रखते थे, अपना ही चैनल पे दिखाते थे, उन लोगों को लगता था YouTube पे दिखाना बेकार है। लेकिन आज के दौर की उसी लिए पिछड़ गया मेरा चैनल, क्योंकि अभी एक एक मिनट एक एक पल की खबर आपको YouTube पे मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो डाला था फ्रेंड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई 10 रुपीज फेक कॉइन। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू आइडेंटिफाई 10 रुपीज फेक कॉइन। इससे मैंने करीब 2 से 2.5 लाख से कमाया था, उस समय की बात है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि आखिर अभी करे तो करे क्या, अभी जो YouTube पे सक्सेस होना चाह रहा, जी हाँ, तो अभी जो YouTube पे सक्सेस होना चाह रहा वो सिर्फ एक कर आना पड़ेगा। जैसे जीएस, पता नहीं जीएस गरीब गरीब जीएस जो एक चैनल है अभी लोगों को बेवकूफ बना करके वो अच्छा खासा पैसे कमा रहा, रेवेन्यू करवा रहा और हर दिन उसका सब्सक्राइबर करीब करीब 2 से 3 हजार 5 हजार बढ़ रहा। उसके पीछे रीजन यही है कि लोगों को लॉलीपॉप देता हो और लॉलीपॉप लेने के चक्कर में लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आप कॉमेंट कर ही नहीं सकते हैं किसी के चैनल पे। तो दोस्तों उसने वो लड़का क्या कर रहा है कि अपने लाइव वीडियो करता है और बोलता है क्या कि हम आप लोगों को चैनल को 100 सब्सक्राइबर 1 मिनट में देंगे, लेकिन वो खुद का 1 मिनट में 2 सब्सक्राइबर आपको नहीं देता। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी बेवकूफ नहीं है आपके कहने पे और मेरे कहने पे किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन हाँ, इसमें उसका फायदा फ्रेंड्स कि वो जब बोलता है कि प्लीज इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर, नंबर सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने पिन हम पिन करेंगे और लोगों से गुजारिश कर सब्सक्राइब करने के लिए, वहाँ कॉमेंट करने के चक्कर में आपको उसके चैनल और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आप कमेंट कर और उसका सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरह का कंटेंट आजकल चल रहा है, लोगों को चुतिया बनाइए और पैसे कमाइए। और वो लड़का अपनी गरीबी को रो रो कर दिखा करके वो वीडियो बनाता है, 2-4 वीडियो बनाता है और अपना सब्सक्राइबर इस तरह से गेन कर रहा है। और सब्सक्राइबर गेन हो जाता है, करंट सब्सक्राइबर उसका होता है तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चला जाता है। तो दोस्तों इस टाइप का चैनल आप भी बनाइए, आप भी लाइव आइए और लोगों के बेवकूफ बनाइए और ढेर सारा पैसे कमाइए। बाय बाय, टेक केयर।